फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुकिंग 11। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई और यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं। आपने खोए की मिठाई, बेसन की मिठाई, चने की मिठाई और गरी की मिठाई, कई तरह की मिठाइयाँ खाई होंगी, बट आज हम आपके लिए एकदम यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं, तो वो है बिस्किट की मिठाई। तो आज हम बनाएंगे मैरीगोल्ड की बिस्किट की मिठाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। बिना किसी काम बढ़ाए और बिना किसी गैस जलाए हुए आराम से आप बना सकते हैं इसको। हम बिना गैस के बना सकते हैं, चाहे आप इसको जितनी जल्दी चाहे बनाकर रेडी कर सकते हैं। कोई भी गेस्ट आए आराम से खिलाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोज़ आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैरीगोल्ड बिस्किट की मिठाई। ये जो हमारे मारी लाइट बिस्किट हैं, ये इनकी मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है। इसके लिए देखिए, मैंने ये 10-10 रुपए वाले पैकेट ले लिए हैं। आइए इनको हम खोल लेते हैं और इनके बिस्किट्स हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन बिस्किट्स को खोल दिया है, ये देखिए निकाल लिया है। ऐसे ही हम दूसरा पैकेट भी ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिया दूसरा पैकेट बिस्किट, और हम कर लेंगे इसके थोड़े छोटे छोटे पीसेस। ये देखिए, इस तरह से आप इनको कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे बिस्किट्स को तोड़कर रेडी कर लिया टुकड़ों में। अब हम लेंगे मिक्सी का जार और इस प्लेट को हम करेंगे साइड में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया मिक्सी का जार। सबसे पहले हम इसमें शुगर डालेंगे और उसका बनाएंगे शुगर पाउडर। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी चीनी ली हुई है और इसमें डाला हुआ है 2 इलायची। अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। बट इलायची डाल देंगे तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारी मिठाई में। तो ये देखिए, इसमें हम डाल दे रहे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। में मैंने 10 से 12 काजू लिए हुए हैं और 10 से 12 बादाम लिए हुए हैं। ये मैंने इसी शुगर में ही डाल दिया है। इसी के साथ हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो चलिए, अब फटाफट इसको हम पीस कर पाउडर रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा शुगर पाउडर हो गया है रेडी। ये देखिए, एकदम महीन, ये देखिए पिसा हुआ है। अब इसमें से थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा मतलब आप एक स्पून की हेल्प से 3 स्पून लमसम निकाल दीजिए। तो ये लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना शुगर पाउडर निकाल लिया हुआ है। इसको हम कर देंगे साइड में। और अब हम ये लेंगे बिस्किट्स, जो मैंने टुकड़े करके रखे हुए, ये सारे बिस्किट्स हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए, सारे बिस्किट मैं इसमें डाल दे रही हूँ। उसी शुगर पाउडर में आप ये बिस्किट डाल दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है, वो मैं आपको बताऊँगी मैंने किस लिए थोड़ा सा शुगर पाउडर निकाला हुआ है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे बिस्किट गए हमारे जार में। जार का ढक्कन करेंगे बंद और बनाएंगे इसका भी हम पाउडर। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बिस्किट भी पिस गए, हो गए एकदम पाउडर की तरह से रेडी। ये देखिए, तो अब हम लेंगे एक बोल। ये लिया मैंने बोल, और बोल में हम ये जो मैंने बिस्किट का और शुगर पाउडर बनाया है एक ही मिक्स करके, इसको हम लेंगे निकाल। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको निकाल लिया है बोल में। ये देखिए, इन सब चीज़ों को निकाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मलाई। तो ये मैंने ली है फ्रेश क्रीम। ये देखिए, मैंने मॉर्निंग में ही दूध से निकाली हुई थी, वही मैं इसमें डाल रही हूँ। ये लीजिए, और अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्का सा फूड कलर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको, एक चुटकी डालना है। वैसे मैंने तो ऑरेंज फूड कलर डाला है, बट आपको जो कलर पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इसको अच्छे से कर लेते हैं हाथों से मिक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब ये थोड़ा सूखा है, तो पहले इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। तो आइए, इसमें हम 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डाल दिया मैंने 3 चम्मच मिल्क पाउडर। अब इसको हम जैसे इकट्ठा करने के लिए, जैसे आप डो बनाते हैं उस तरह बनाने के लिए, थोड़ी सी मलाई हम और डालेंगे। पहले मैंने 2 चम्मच मलाई डाली हुई थी, अब इसमें हम 2 चम्मच मलाई और ऐड कर ले रहे हैं। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें दूध भी यूज़ कर सकते हैं, बट मलाई डालेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा हमारी मिठाई में। ये देखिए फ्रेंड्स,
तो ये लीजिए हमारी 2 चम्मच मलाई इसमें डाल दी मैंने। अब इसको अच्छे से हम कर ले रहे हैं मिक्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से कर लिया है इकट्ठा। ये देखिए जैसे कि डो बनाते हैं उस तरह से मैंने इसको बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखिए, तो जब मैंने इसको डो की तरह से बनाकर रेडी कर लिया है, तो आइए इसको हम रख देते हैं 2 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने हटा दिया है, देखिए रेस्ट पर रख दिया है। और इसके अंदर जो हम बनाएंगे दूसरी मिठाई के अंदर जो रोल करेंगे कोडिंग, वो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने शुगर पाउडर बचाया हुआ था, ये हमने 2 चम्मच शुगर पाउडर बचाया हुआ था, इसमें हम डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट 2 चम्मच। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, और मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच मिल्क पाउडर। ये देखिए मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल दिया है। इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, जब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो इसमें भी मलाई डालकर हम इसको भी डो की तरह ही बना लेंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने इसको भी डो की तरह से एकदम तैयार कर लिया है। तो ये हमारा हो गया वाइट डो रेडी, और ये है हमारा ऑरेंज डो रेडी। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैंने ये वाला डो लिया हुआ है, इसको इस तरह से हाथ में ले लेंगे। ये देखिए, ऐसे पूरा हम इकट्ठा कर लेंगे। ये मैंने लिया और इसको हाथों में इस तरह से लेकर, और ये करेंगे पहले, फिर हम इसको ऐसे धीरे से ऐसे इस पर करके फैला देंगे। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं फैलाना है, इतना फैलाइएगा कि आप आराम से उठा सकें। ये देखिए, अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स जो आप डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे, तो वो डेसिकेटेड कोकोनट ही देखिए मैंने हल्का सा लिया और इस तरह से पूरे में फैला दिया। इस तरह से होगा क्या, ये जो हम मैं इसको इस तरह बढ़ा रही हूँ, ये चिपकने नहीं पाएगा और आराम से ये बढ़कर हो जाएगा रेडी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फैल गया है। ये देखिए, तो आइए इसको हम एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं। और उसको देखिए मैंने निकाल कर एक प्लेट में रख दिया है। और अब हम ये जो मैंने ऑरेंज कलर में बनाया है, ये है बाहर का हिस्सा। तो इसको भी इसी तरह से हम लेंगे और इस तरह से हाथ में आप कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गया। अब इसको आप धीरे से इस पर रखेंगे, ये देखिए, और इस तरह से अच्छे से इसको फैला देंगे। तो ये देखिए, इस तरह इसको हम हाथों की मदद से, ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बड़ा कर लिया है। और फ्रेंड्स, ये इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, जैसे कि हम चॉकलेट बिस्किट नहीं होते, चॉकलेट मिठाई होती है, सेम उसी तरह की खुशबू आ रही है। चॉकलेट पेड़े तो आपने खाए ही होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गए हमारे इस तरह से बनाकर रेडी। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो मैंने वाइट वाला बनाकर रखा हुआ है। ये देखिए, इसको हम अच्छे से फैला दिए। अब इसका हम एकदम टाइट टाइट रोल बना लेंगे। तो इस तरह से आप धीरे से उठा कर कीजिएगा, ताकि ये बिगड़ने ना पाए। चाहे आप इस तरफ से कर लीजिए और चाहे इस तरफ से कर लीजिए, तो मैं इस तरफ से इसको रोल बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों को एक में करके इस तरह से रोल कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों को मैंने इस तरह से करके एक में रोल कर लिया है। ये देखिए, और देखिए कितना ज़्यादा घी इसमें रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें केवल मलाई का यूज़ किया हुआ है इसलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हो गया है रेडी। तो अब आप चाहे सिल्वर फॉइल ले लीजिए, चाहे बटर पेपर ले लीजिए, या पन्नी की हेल्प से इसको उसमें रखकर रोल बनाइए। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं बटर पेपर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बटर पेपर ले लिया हुआ है। अब हम इसको, जो मैंने ये रोल बनाया हुआ मिठाई का, वो धीरे से उठाकर मैं इस पर रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उठाकर धीरे से इसको इस पर रख दिया है। अब इसका हम बिल्कुल टाइट टाइट एकदम रोल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड, आप एकदम टाइट टाइट इसका रोल बनाकर रेडी कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम टाइट रोल होना चाहिए, ताकि ये मिठाई अच्छे से हमारी सेट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रोल हमारा एकदम टाइट हो गया है। इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तो चलिए इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है और हमारी ये मिठाई हो गई है अच्छे से सेट। तो अब इसका हम, ये जो मैंने बटर पेपर में कवर किया हुआ था, ये बटर पेपर धीरे धीरे करके हम देंगे हटा। ये देखिए फ्रेंड्स, और हमारी मिठाई देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पेपर को हटा दिया है और आइए इसके पीसेस हम कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसके पीसेस कर लीजिएगा।
ये देखिए, ये देखिए ऐसे ही हम बराबर के पीसेस कर ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए सारे पीसेस हम इसी तरह से कर लेना है मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस मिठाई को कर लिया है प्लेट में सर्व, और आइए कर देते हैं हल्का सा हम गार्निश। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बिस्किट की मिठाई बनकर हो गई है रेडी। अब आप इसको टेस्ट कीजिए और बताइए कैसी बनी है। देखिए ये जितनी ही देखने में अट्रैक्टिव लग रही है, उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है और खाने में भी उतनी ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ। फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।